बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजल जियो पोर्टल। माय नेम इज़ मोहम्मद अफजल। रेस्क्यू 1122 में बेशुमार सरकारी भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है। वो तमाम हजरात स्टूडेंट जो रेस्क्यू 1122 में बतौर शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस पर लाजमी अप्लाई करें। चलिए अगर डिटेल देखते हैं किस तरह अप्लाई करना है और क्या क्या फॉर्मेलिटी आपने पूरी करनी है। जी, सबसे पहले देखा जाए, रेस्क्यू की तरफ से एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया जिसमें 1 से लेकर 17 तक मुख्तलिफ कैटेगरीज की जॉब्स आई हुई, जिसके अंदर 20 से 30 सीटें हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये तकरीबन 1000 से ज़्यादा सीटें हैं। चलिए डिटेल देखते हैं कौन कौन सी पे भर्ती कर रहे हैं। सबसे नंबर 1 पे है असिस्टेंट डायरेक्टर इमरजिंग ऑफिसर, ठीक है। अगर देखा जाए इमरजिंग ऑफिसर है, इन दोनों की जो तालीमी काबिलियत है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे इमर्जिंग ऑफिशियल प्रोविंशियल कंट्रोल रूम है, ठीक है, इसकी तालीमी काबिलियत BScS होनी चाहिए 4 साल। आगे रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर है, ठीक है, इसकी MSc तालीमी काबिलियत होनी चाहिए। आगे कंट्रोल रूम इंचार्ज है, इसकी BS कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए 4 साल किसी मंजूर शुदा इदारे से, ठीक है। आगे शिफ्ट इंचार्ज है, इसकी DAE डिप्लोमा ऑन एसोसिएट इंजीनियरिंग एटलीस्ट 2nd डिवीज़न, ठीक है। आगे स्टोर इंचार्ज है, इसकी BCom तालीम होनी चाहिए और 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए। इन सब की जो एज लिमिट है वो 25 से 35 साल तक है। जी, आगे डिटेल देखते हैं। आगे देखा जाए तो कंप्यूटर ऑपरेटर है, ठीक है, कंप्यूटर टेलीफोन वायरलेस है, ठीक है, इसका डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर टेलीकॉम ऑपरेटर का तजुर्बा रखता हो। आगे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, ठीक है, इसका डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में किसी मंजूर शुदा इदारे से, इसकी जो उम्र है 22 से 28 साल तक होनी चाहिए। आगे इमर्जिंग मेडिकल टेक्नीशियन है, ठीक है, इसकी FSC तालीम होनी चाहिए और डिप्लोमा वाले हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तालीमी काबिलियत जो इसकी एज लिमिट है वो 22 से 28 साल तक होनी चाहिए। आगे स्पेशलिस्ट फिशर ऑपरेटर है, ठीक है, इसकी DAE तालीमी काबिलियत होनी चाहिए और साथ ही मैकेनिक्स ऑटोमोबाइल को भी सही तरीके से चलाने, इसको इस्तेमाल करने और सही करने वाले को महारत दी जाएगी। आगे रेस्क्यू ड्राइवर है, ठीक है, इसके लिए तालीम मिडिल होना चाहिए और LTV ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी होना चाहिए और 3 साल का तजुर्बा भी रिक्वायर्ड है। इसकी जो एज लिमिट वो 22 से 28 साल तक है। आगे रेस्क्यू ड्राइवर फिर से है, वो LTV है, ये HTV है, इसके लिए मिडिल तालीम रिक्वायर्ड है और HTV ड्राइविंग लाइसेंस को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी और 3 साल का HTV ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जो इसकी एज लिमिट है वो 22 से 30 साल तक है। जी, आगे देखें नायब कासिद है, ठीक है, इसकी जो तालीमी काबिलियत वो मिडिल होनी चाहिए, एज इसकी 22 से 30 साल तक है। सिक्योरिटी गार्ड है, इसकी एक्स आर्मी ऑफिसर भी हजरात अप्लाई कर सकते हैं, जो इसकी एज लिमिट वो 30 से 40 साल तक है। ये तमाम जो पोस्टें हैं ये सिंध में आई हुई है, सिंध के तमाम हजरात अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ शहरों से, ठीक है। अभी आगे देखें अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली 700 रुपये का चलान फॉर्म आपने ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना है इनकी वेबसाइट से। ये वेबसाइट नज़र आ रही है apply.sts.net.pk, ठीक है, आपने वेबसाइट से चलान फॉर्म डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट वगैरह लगा के ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन तमाम दोस्तों के साथ जो महकमा रेस्क्यू में बतौर खिदमत अंजाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें लाजमी अप्लाई करें। जो साथ ही साथ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद आने वाली जॉब इन्फॉर्मेशन से भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर डेली बेसिस पे गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की अपडेट देता रहता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मजीद आने वाली जॉब इन्फॉर्मेशन से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें।